अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ फिरदौस, यानी कि वल्ला हबीबी। आज आपको बताऊंगी कि 15 सेकंड वाइंस क्या होता है और वो बनता कैसे है। सबसे पहले हम मेरे वाइंस देखेंगे कि 15 सेकंड वाइंस क्या होता है। लेट्स गो। सुनिए, प्यास लगी है, पानी तो ला दो। वल्ला हबीबी, क्यों ना चिकन बिरयानी खिला दूं। वाह, मुंह में पानी आ गया, बस इसी पानी से काम चला लो। हो हो हो, मेरी क्रिसमस बच्चे। साक्षात सेंटा क्लॉज। हो, बताओ क्या चाहिए इस साल। आईफोन 8 प्लस दे दो। ले, मेरी किडनी बेच दे। तो जैसे कि आपने मेरा 15 सेकंड वाइंस देखा है कि ये कैसा होता है, अब मैं बताऊंगी कि आप 15 सेकंड वाइंस कैसे बना सकते हैं एंड्रॉइड में। बिकॉज मैं आईफोन यूजर नहीं हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि एंड्रॉइड में कैसे बनाते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड में बनाने के लिए हमारे पास होते हैं दो ऑप्शन। एक होता है वॉइस रिकॉर्डर, जो अपने फ़ोन का नॉर्मल रिकॉर्डर होता है, और दूसरा होगा म्यूजिकली का शूट ना वाला ऑप्शन। अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा ईजी है? अगर आप वॉइस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करते हो तो डिसएडवांटेज ये हो जाता है एंड्रॉइड में कि आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपका डायलॉग आपने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया है कि हाँ ये डायलॉग मुझे प्रॉपरली डिलीवर करना है, तो आप अपना वॉइस रिकॉर्डर से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डायलॉग सेव कर सकते हो। बट इसमें डिसएडवांटेज यही है कि आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको सेगमेंट डिलीट करना है तो आपको ओवरऑल डिलीट करना पड़ेगा पूरा ऑडियो। तो मैं वॉइस रिकॉर्डर ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ म्यूजिकली का शूट नाउ। अगर आप म्यूजिकली का शूट नाउ यूज़ करते हो तो म्यूजिकली की शूट नाउ में हम अगर वीडियो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारा सरफेस उसमें ब्लैक होता है, हम अपना सरफेस ब्लैक करके हमारी ऑडियो जब डिलीवर करते हैं, तो हम अगर ऐसा सोचेंगे कि हाँ हमारी ऑडियो सही नहीं हुई है, तो हम सेगमेंट डिलीट कर सकते हैं। सेगमेंट डिलीट का ऑप्शन आता है। तो मैं मोस्टली प्रेफर करूँगी आपको कि आप म्यूजिकली के शूट ना वाले ऑप्शन से ऑडियो को रिकॉर्ड करें। और कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी मैं बताती हूँ। पहले अपना आप म्यूजिकली का अकाउंट खोलिए। म्यूजिकली का अकाउंट खोलने के बाद आप जो यहाँ पर प्लस ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर लिखा हुआ है शूट फर्स्ट, शूट फर्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। शूट फर्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद एक स्क्रीन खुलेगा, उस स्क्रीन को पूरा ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक करने के बाद आपको करना है, अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइक आपको अपने डायलॉग से श्योर होना पड़ेगा कि आपको कौन से डायलॉग कब बोलना है। जैसे आप मैं डायलॉग बोल रही हूँ, ठीक है, सुनिए प्यास लगी है ज़रा पानी तो ला दो। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये जो डायलॉग बोला है और ये डायलॉग प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आता है डिलीट सेगमेंट का कि आप डिलीट कर सकते हो। तो आप सेगमेंट डिलीट कर दो और आप फिर से रीशूट करके आप फिर से डायलॉग बोलें। ठीक है, तो फिर से हम डायलॉग बोलेंगे, सुनिए प्यास लगी है ज़रा पानी तो ला दो। ये हो गया। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर, कैरेक्टर जब आप बदलोगे तो आपकी वॉइस भी चेंज कर दीजिए। वल्ला हबीबी, क्यों ना चिकन बिरयानी खिला दो। वाह, मुंह में पानी आ गया, तो बस इसी पानी से काम चला लो। आफ्टर रिकॉर्डिंग द वॉइस, यानी आपने जब अपनी पूरी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली है, इसको आप सेव प्राइवेट में जाके सेव कर दीजिए। सुनिए प्यास लगी है ज़रा पानी तो ला दो। वल्ला हबीबी, क्यों ना चिकन बिरयानी खिला दो। वाह, मुंह में पानी आ गया, तो बस इसी पानी से काम चला लो। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी अपनी वॉइस रिकॉर्ड की है, अब जब आप सेफ प्राइवेट्स में जाके अब अपनी वॉइस को सुनते हो तो प्रॉपरली सुन लीजिए कि आपकी वॉइस जो है, आपकी जो डायलॉग है, वो प्रॉपरली डिलीवर हुआ है कि नहीं। ठीक है, आप जब अब अपनी वॉइस ऑलरेडी सुन चुके हो कि प्रॉपर है, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा ओरिजिनल साउंड करके, आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे आप ओरिजिनल साउंड करोगे, पोस्ट वीडियो करके ऑप्शन आएगा, पोस्ट वीडियो आपको सेलेक्ट करना है। पोस्ट वीडियो सेलेक्ट करोगे, मेक श्योर गाइस 15 सेकंड के अंदर होना चाहिए वीडियो। अगर आप 15 सेकंड के बाहर वीडियो बनाते हो तो पोस्ट वीडियो का ऑप्शन नहीं आएगा। मेक श्योर कि आप 15 सेकंड के अंदर वीडियो बनाएं, 16 सेकंड भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डॉट 15 सेकंड फॉर मेकिंग द वीडियो। लाइक पोस्ट वीडियो ऑप्शन आने के लिए आपका 15 सेकंड होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप खोलोगे, आपको स्क्रीन में आपको अपना चेहरा दिखेगा सबसे पहले। तो अब हम सीधा रिकॉर्ड करेंगे, दो कैरेक्टर्स प्ले हो रहे हैं, तो हम दो कैरेक्टर्स प्ले करेंगे। आपको फास्ट मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर चार मोड्स होते हैं, एपिक, स्लो, नॉर्मल, फास्ट और लैप्स। तो आपको सेलेक्ट करना है फास्ट मोड। जैसे ही आप फास्ट मोड सेलेक्ट करोगे, हम लोग अपना रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। एक कैरेक्टर प्ले होगा,
वही कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर जब आप अपने पूरा वीडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सुनिए प्यास लगी है जरा पानी तो ला दो। वल्ला हबीबी क्यों ना चिकन बिरयानी खिला दूं। वाह मुंह में पानी आ गया, तो बस इसी पानी से काम चला लो। सो गाइस अगर आपको किसी के साथ 15 सेकंड वाइंस में डुएट बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं वन ऑफ द कूलेस्ट मेरा म्यूजर फ्रेंड है, मैं उसके साथ डुएट बनाऊंगी, शायद आप लोग तो इसको जानते ही होंगे। तो मैं बनाऊंगी इसके साथ डुएट। हाय क्या कर रहे हो? एक खूबसूरत लड़की से बात करने का ट्राई। यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है आपको, ये यहाँ पर तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, आपको वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डुएट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप डुएट में आपको यहाँ पर चूज डुएट लेआउट दिखाई देगा, मॉन्टेज और स्प्लिट स्क्रीन है। अगर ये स्प्लिट स्क्रीन में हम करते हैं तो लाइक हम बाजू में दिखाई देंगे, साइड में दिखाई देंगे। अगर आप मॉन्टेज यूज़ करते हो तो आप लाइक कोलैब वीडियो कैसा होता है वैसे दिखाई देंगे। तो हम चूज़ करेंगे स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन। वाओ तो यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन। हम फास्ट मोड पे ही करेंगे बिकॉज फास्ट मोड पे करना इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ पर डुएट के ऑप्शंस में आ चुके हैं, यहाँ पर फास्ट मोड सेलेक्ट करेंगे एंड विल प्ले द कैरेक्टर्स। या हाय क्या कर रहे हो? एक खूबसूरत लड़की से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं जो कब से मैसेज करे जा रहा हूँ, रिप्लाई नहीं दे रही वो। गुड लक। तो इस तरह हम इसको सेव करेंगे। हाय क्या कर रहे हो? एक खूबसूरत लड़की से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं जो कब से मैसेज करे जा रहा हूँ, रिप्लाई नहीं दे रही वो। गुड लक। सो गाइस ये था 15 सेकंड वाइंस का डुएट ट्यूटोरियल एंड 15 सेकंड वाइंस कैसे बनाते हैं उसका ट्यूटोरियल। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं और भी कोई ट्यूटोरियल बता सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। अब आप अगर अपना वीडियो पोस्ट करोगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कॉमेडी कैटेगरी चूज करें और 15 सेकंड वाइंस के हैशटैग प्रॉपरली डालें और म्यूजिकली इंडिया ऑफिशियल को टैग करना ना भूलें। ये हमेशा याद रखो, इसको ना भूलना, कभी नहीं भूलना, बिकॉज म्यूजिकली इंडिया इज ऑलवेज लेट। और मेरे चैनल अगर तुमको अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर भी करो। थैंक यू।